जैसा कि इनके दोस्त ही आए थे और प्रोविजनल लेके नहीं आए थे, उनको वापस जाना पड़ा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप जहाँ जितने लोग नए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें। अब हम आज आपको जो हमारे साथ एक अजीत नाम के ब्रदर है और इनका NTPC में सिलेक्शन हो चुका है और जैसे ही बताए हैं बहुत लोग वापस भी चले गए हैं। रिगार्डिंग कहने मतलब उनके पास प्रोविजनल ही था, उसके रिगार्डिंग वापस चले गए हैं। तो आज ये आपको पूरा बताएंगे DV का कैसे इनको, क्योंकि पूरा ये करवा चुके हैं। आज इनको हम रोके हैं और ये आपको पूरा बताएंगे कैसे क्या हुआ, कैसे करवाए। तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनका कौन सा बोर्ड हुआ है, आपका कौन सा बोर्ड में सिलेक्शन हुआ ब्रदर? जैसे कि मेरा नाम अजीत कुमार और मैं RRB मुंबई से फॉर्म अप्लाई किया था, उसी में मेरा जो है लेवल 6 में जो स्टेशन मास्टर का है उसमें मेरा जो रिजल्ट हुआ था उसी के रिगार्डिंग में डिग्री अप्लाई करने के लिए पंकज भाई, जैसे कि ये मेरे मित्र हैं और हम दोनों बिहार शरीफ में बहुत 4 दिन से करीब बैच में मिलकर पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने तो PG करने के लिए यहाँ आ गए और हम रहेंगे बिहार शरीफ में। तो आते हैं आप डिग्री के बारे में, तो हम आपको लेके चलते हैं। जैसा क्या बताया, हम सब साथ में पढ़ते थे, हम सबके जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबका नौकरी लग गया। ये लास्ट बंदा था जिसका इसका भी हो गया। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं फील्ड अलग चुन लिया हूँ, मुझे उसमें जॉब में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने फील्ड अलग चुन लिया। अब आपको बताएंगे कैसे क्या चीज है, कैसे किए हैं, तो आपको जो वहां से कैसे आप क्या चीज की हो बताइए आप ऑडियंस को हमारे। जैसे कि जब रिजल्ट आया तो मैं पंकज भाई से बोला कि पंकज भाई मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या दिया कि आपको एक फॉर्मेट में सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, उस फॉर्मेट पर आप जो भी है आप कॉलेज से उसको वेरीफाई करने के लिए, तो ये फॉर्मेट है इसी पर ही। तो जब कॉलेज गया तो कॉलेज में आपको तीनों ईयर का मार्कशीट और तीनों ईयर का एडमिट कार्ड और विद रजिस्ट्रेशन कार्ड अटैच करके, इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास नहीं रहेगा काम नहीं होगा कोई भी काम नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन कार्ड या अल्फाबेट रजिस्ट्रेशन अपने कॉलेज से निकाल के नया रजिस्ट्रेशन बनवा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, वहाँ पर सर से आप प्रमिटी करा लीजिए, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर यहाँ पर हो जाएगा और सभी जितनी भी आप अटैच किए हैं क्या क्या अटैच किया, ये तीनों ईयर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड, और तीनों ईयर पर जो भी आप अटैच किए हैं सभी पर क्या सिग्नेचर कर लीजिएगा और सभी पर ही सर भी सिग्नेचर करेंगे मोहर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो फॉर्मेटिंग हो जाएगा आप उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाइए, यूनिवर्सिटी आने के बाद आप पंकज भाई से मिलिए, फिर जो भी आप कॉलेज से बना कर आए सेट, ये जो पूरा सेट है इस सेट का 3 कॉपी ही ना बना लीजिएगा, और 3 कॉपी में जो भी ओरिजिनल कॉपी रहेगा वो नीचे जो है नीचे काउंटर पर जमा हो जाएगा, फिर जो 2 कॉपी बचेगा 2 कॉपी लेकर आप ऊपर जाइएगा। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, जैसा ये लेके आए हैं, लेने के बाद आप जब आइएगा तो सीधा पकड़िएगा रजिस्ट्रेशन सेक्शन, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपना वेरीफाइड करवाइएगा, वेरीफाइड करवाने के बाद नीचे आप उसके बैक में चल जाइएगा तो वहाँ पे आप रिसीविंग करवा लीजिएगा, ऐसा जैसा कि ये रिसीविंग इनका जब भी रिसीविंग होगा तो यहाँ पर रिसीविंग लिख दिया जाएगा, आपको रिसीविंग ऐसा लिख दिया जाएगा समझे, रिसीविंग करा के आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर में चल जाएगा, सेकंड फ्लोर में चल जाएगा कंट्रोलर साहब के रूम के पास, तो वहाँ पे आपको बोलेगा टेस्टिमोनियल बनवाना है, तो आपको टेस्टिमोनियल के लिए सबसे पहले आप टेस्टिमोनियल के लिए आप जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन जो हुआ इसको एडमिट कार्ड और जो भी लिस्ट आया है उस लिस्ट में आपका रोल नंबर मेंशन होना चाहिए, मेंशन होगा उसका फोटोकॉपी निकाल दीजिएगा और दोनों लगाकर आप जो कंट्रोलर में जाएगा बोलेगा हमको सर DV के लिए टेस्टिमोनियल बनाना है, तो वो जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन दीजिएगा आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उस पर लिख देंगे जो भी टेस्टिमोनियल का जो भी नियम है उनके, आपको दूसरे काउंटर पर दिया जाएगा, उस काउंटर पर जाइएगा और काउंटर पर आपको जो फॉर्म जो सर लिख दिए टेस्टिमोनियल के लिए वो रिसीव कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको 4 बजे का टाइम दिया जाएगा, जैसे ही 4 बजे का 4 या 4:30 बजेगा उसके बाद आपको इस तरह का जो टेस्टिमोनियल है वो बनके तैयार हो जाएगा, बनके आपको मिल जाएगा, इस तरह का टेस्टिमोनियल आपको बनके मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके टेस्टिमोनियल बनने के बाद आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको जो मिला है कॉलेज से उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के पर जो आप जो मोहर मनवा लीजिएगा और जो भी सर है उन सर से सिग्नेचर मोहर मनवा लीजिएगा, तभी ये जो टेस्टिमोनियल है जो 6 मंथ के लिए जो वैलिड रहता है ये वैलिड तब होगा जब आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे मोहर सिग्नेचर रहेगा, वरना ये जो है टेस्टिमोनियल जो है वैलिड नहीं होगा। तो जैसा देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट आप मेरे स्टूडेंट जो मैं उनको चाहिए टेस्टिमोनियल वो वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपको कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा और जहाँ वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ वीडियो गंदा भी है तब भी मुझे कमेंट्स कीजिए क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा,
इसके रिगार्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू अजीत भाई, जो आपने सभी हमारे दर्शकों को और हमारे भाइयों को ये आप वीडियो बना के दिए हैं, इससे बहुत उनका हेल्प होगा, क्योंकि आज बहुत लोग जैसा कि इनके दोस्त ही आए थे और प्रोविजनल लेके नहीं आए थे, उनको वापस जाना पड़ा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, ये मस्ट है। अगर नहीं लेके आएगा तो इसका पन्ना कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये लाएगा तभी वैल्यू बनेगा। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए और एनर्जेटिक के साथ।